नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर या और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको कि आप DPSDAE के नाम से जानते हैं, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 65 है, यानी कि 65 पोस्ट, और आवेदन इसके 22 अप्रैल से लेकर 15 मई तक चलेंगे। पूरी जानकारी आपको बता दें, इसकी जो पूरी जानकारी है रिक्रूटमेंट वगैरह की, ये आपको मिल जाएगी सरकारीRezult.com और RozgarRezult.com पर। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसकी परीक्षा भी जो है जून में प्रस्तावित है। एज की बात करें, उम्र की बात करें, 18 से 27 साल उम्र है। टोटल जो है 65 पोस्ट है, और जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है बहुत ही सिंपल मांगी गई है, यानी कि जो है आपको सिंपल जो है बैचलर डिग्री मांगी गई है। मैं आपको इसकी नोटिफिकेशन में जो है दिखा भी देता हूं। ये देख सकते हैं एलिजिबिलिटी जो है सिंपल मांगी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका साइंस साइड होना चाहिए, यानी कि बीएससी होना चाहिए 60% के साथ, या तो आपका कॉमर्स होना चाहिए वो भी 60% के साथ होना चाहिए, या तो आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ। तो अगर आपके पास इसमें से कोई योग्यता है तो आप इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने फॉर्म पर, आपको जो है फॉर्म भर के दिखाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन का और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन का। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आपकी योग्यता, तो हमारी योग्यता जो है बैक कॉमर्स है, तो हम यहाँ पे कॉमर्स पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यानी कि आपको जो भी नाम है वो डालना है, आपको अपनी कैटेगरी डालनी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी डालनी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं है, कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो नहीं है, कि आप डिसेबल्ड वगैरह तो नहीं है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादी हुई है कि नहीं हुई है, कोई डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो नहीं है, एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, आपका जेंडर क्या है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जो जन्म तिथि है वो आपको जो है यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, बता दें पासवर्ड जो है कम से कम 7 कैरेक्टर होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 20 कैरेक्टर तक बना सकते हैं, लेकिन पासवर्ड में आपका जो एक लोअर कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर फटाफट जो है पासवर्ड अपना बना देते हैं। अगर आपको पासवर्ड बनाने में दिक्कत है तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। आप अपना नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुरेश है, तो एस आप कैपिटल से लिख दीजिए, उसका @ हैश लगा के 123 लिख सकते हैं, सिंपल पासवर्ड अगर आपको इस तरीके का चाहिए तो। बाकी अगर आप जैसा चाहे वो पासवर्ड आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है, उसके बाद आल ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, लिखा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन विद इंटर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, यानी जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड की मदद से आपको लॉगिन करना है। इनकेस अगर आपका लॉगिन नहीं होता है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप इस फॉरगेट वाले ऑप्शन पे जाके अपने पासवर्ड को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको नाम दिख जाएगा, उसके बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना और आगे बढ़ना है। तो आपको बता दें इसका पेमेंट आप किन किन माध्यम से कर सकते हैं। इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, UPI और स्कैन एंड पे यानी QR कोड की मदद से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका आगे का स्टेप खुलेगा, तो चलिए हम इसका पेमेंट करते हैं। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये फॉर्म इस तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है, नेक्स्ट आपको अपनी माता का नाम डालना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सारी चीजें आपने जो रजिस्ट्रेशन में डाली है वो सारी चीजें पहले से पड़ी रहेंगी। थोड़ा सा नीचे आते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना धन डालना है, आपका कोई माइनॉरिटी वगैरह तो नहीं है वो डालना है, यहाँ पे पूछा आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की इम्प्लाई तो नहीं है वो डालना है, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली इनकम डालना है, यानी आपके परिवार की सालाना आय कितनी है वो डाल देना है। यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ देना है, आईडी प्रूफ में पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, DL है या कुछ भी अन्य आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर आपको जो है यहाँ पे डाल देना है। नंबर डालने में यहाँ पे आपका परीक्षा का केंद्र पूछा, यानी कि परीक्षा का सेंटर आपको कहाँ चाहिए, तो सेंटर जो है आपका आपको बता दें दिल्ली है, गुवाहाटी है, इंदौर है, आपका कोलकाता है, मुंबई है, नागपुर है, जो भी सेंटर आपको चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। दो चॉइस देनी है, तो पहला मैंने दिल्ली ले लिया है, दूसरा मैंने जो सेंटर है वो मैंने कोलकाता इंदौर ले लिया है। आपकी इच्छा है जो भी आपको नियरेस्ट सेंटर है वो आप ले सकते हैं, 3 सेंटर लेने हैं, तीसरा मैंने जो है यहाँ पे नागपुर ले लिया है। जो भी सेंटर चाहिए आप लेने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको पूरा जो है यहाँ पे डाल देना है।
तो यहाँ पे मैंने स्टेट डाल दिया है, जो भी एड्रेस आपका स्टेट है वो डाल देना है, पिन कोड जो आपका एड्रेस का है वो आपको डाल देना है, दोनों एड्रेस अगर आपके सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको परमाणु ऊर्जा उसके संविधान से पहले कार्य किसी रिश्तेदार का अगर आपको डिटेल्स है तो आपको देना है, नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है और नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको जो है फटाफट एलिजिबिलिटी डालनी है, जैसे कि आपको क्लास 10 का यहाँ पे पूछ रहा है किस बोर्ड से है, आपने जो है कब जो है पास आउट किया है, यहाँ पे स्ट्रीम पूछ रहा है आपके कौन सी स्ट्रीम है, आपको कितना नंबर था, कितना नंबर आपको मिला है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ड्यूरेशन ईयर पूछ रहा है कि आपको जो ड्यूरेशन था वो क्या था, तो इस तरीके से आपको जो ड्यूरेशन ईयर 2014-15 था तो यहाँ पे पूछा है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन कोर्स हमारा जो एक ही साल का था तो यहाँ पे एक साल कर देंगे। यहाँ पे रिमार्क अगर आपका कुछ है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह आपको इंटर यानी क्लास 12 का डिटेल डालना है, क्लास 12 डाल दिया है, किस स्ट्रीम से वो डाल दिया है, कितना नंबर था आपको, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ था वो डाल देना है। ड्यूरेशन इसमें भी हमने एक ही डाल दिया है। यहाँ पे पूछा आपका डिग्री, यूजी डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है वहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे पूछा आपने जो डिग्री ली है वो कहाँ से ली है, जो जैसे मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से ली है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा मैंने डाल दिया है। तब भी आपने पास आउट किया है, आपका स्ट्रीम क्या था, आपका कितना नंबर का था और कितना आपको नंबर प्राप्त हुआ है। ताकि भाई यहाँ पे ड्यूरेशन एक बार 3 हो जाएगा क्योंकि ये जो है 3 साल का होता है। रिमार्क अगर आपको बैक है या कुछ आपका कुछ एक्स्ट्रा है तो आप उसको जो है दे सकते हैं, रिमार्क नहीं है तो आप सिंपली उसको छोड़ सकते हैं। या फिर पीजी डिग्री वगैरह का ऑप्शन अगर आपको पास है तो आप उसको दे सकते हैं। या फिर पूछा है सिलेक्शन टेस्ट की जो है आपका क्या रहेगा, तो जब आप इसमें आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, पार्ट बी और पार्ट ए। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए कि इसमें आपको सिलेक्शन कैसे गए तो आपको नोटिफिकेशन खोलना है। नोटिफिकेशन में यहाँ पे अगर आप इसके पैटर्न में जाएंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न जो है फाइंड कर लेता हूँ, पेज नंबर 6 पे जाना है नोटिफिकेशन के। यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1 है, लेवल 2 है, अलग अलग इसका जो डिटेल दिया हुआ है, आपको जिस पे भी लेना हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1 ये है रिटर्न एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड है, और लेवल 2 आपको जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है लेवल 1 में हमने जो है यहाँ पे जो है रीजनिंग साइंस और बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे सिलेक्ट कर दिया है। अगर आपका नहीं लेगा तो यहाँ पे नो सजेस्टेड फॉर आ जाएगा, ये देखिए सजेस्टेड भी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पूछ रहा है डू हैव अ कंप्यूटर डाटा, तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास नॉलेज हम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी जो है आपका पाठ्यक्रम के इंगित करे, अगर आप किसी भी समय अपीयरिंग में हो तो उसका आपको डिटेल्स दे देना है। यहाँ पे अनुभव अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो देना है, नहीं तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बता दें आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, फोटो जो है कलर फोटो होनी चाहिए और जिसका साइज 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, और उसमें साफ साफ दिया है कि फोटो जो आप अपलोड करेंगे उसकी कुछ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे उसका साइज जो है 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह भी इसको अपलोड करना पड़ेगा, और जो आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको आपको PDF के रूप में अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। उम्मीदवार योग्यता के प्रमाण पत्र को संलग्न करें अटैच कैंडिडेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, तो इसके लिए आपको खोलना है सरकारी रिजल्ट टूल्स। यहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना है, जैसे फोटो मांगा है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, फोटो का आपका एक्चुअल साइज आ जाएगा। अगर आपको कम और ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे इसमें डॉक्यूमेंट की आपको PDF मांगी है तो यहाँ पे JPG से PDF पे कन्वर्ट करना है। आपने जो भी मोबाइल से स्कैन करके फोटो लगाई है उसको क्लिक करना है और उसको आपको PDF में चेंज कर लेना है। आपको इस वेबसाइट को क्लिक करना है, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सरकारी रिजल्ट टूल्स, वापस चलते अपने फॉर्म पर आते हैं, इसको अपलोड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आप उसको अच्छी तरीके से चेक करना है, चेक करते हुए आपको बिल्कुल नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे घोषणा जो है उस पर यानी डिक्लेरेशन पे टिक करना है, उसका यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि आपके द्वारा भरा गया आवेदन बिल्कुल तरह सही है कि नहीं, क्योंकि एक बार सबमिट कर देंगे उसका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो हमारा सब कुछ सही है, हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो दोस्तों सबमिट करते ही आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और प्रिंट आउट जो है आप जो चाहे तो उसकी PDF भी करके अपने जो ईमेल है उस पर रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चलते चलते फिर बता दें, जब तक आप यहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे आपका ये फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। और आपको बता दें, आप नई नई जानकारी के लिए सरकारीरिजल्ट.com और हमारी जो नई वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट टूल्स, उस पर जो बहुत तरीके के टूल्स है, जैसे कि आपका टाइपिंग टेस्ट है, रिज्यूम है बनाने के लिए, आप शादी का बायोडाटा बना सकते हैं, JPG से PDF बना सकते हैं, फोटो पे नाम डेट लिख सकते हैं, अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो, तमाम तरीके के टूल्स है जिसका जो है आप मदद जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में तय, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।